हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू प्रोडक्ट फॉर यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आपका आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आरएमएस 1912 जो ये मॉडल है हमारा, इसको ये कैसे काम करता है, इसको पूरा डेमो करके मैं दिखाऊंगा। इसका सेंसर का जो वायरिंग है वो कैसे किया जाता है, कहाँ पे वोल्टेज कितना दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं P2 कनेक्टर्स हमारा, ये जो P2 कनेक्टर्स है यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई देनी है आपको। एसी डीसी कोई भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफायर इनबिल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं केबल, मैंने इस एडेप्टर के जरिए यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है। ये है 12 वोल्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस एडेप्टर के जरिए मैं इसको 12 वोल्ट दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पावर ऑन करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये ऑटो मोड में रखा है। ये स्विच जो है नीचे की तरफ मैनुअल मोड, ये ऊपर की तरफ यानी ऑटो मोड में इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट होगा दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बीच वाली एलईडी हल्की हल्की सी जलेगी। तो ये जो बीच वाली एलईडी जल रही है, इसका मतलब है कि पावर ऑन है, सिस्टम पूरा ऑफ है। ये बीच वाली एलईडी जलती इसका मतलब क्या है, हल्की हल्की सी, इतना ब्राइट नहीं जलेगी, इतना तेज भी नहीं जलेगी। तो इसका मतलब है कि ये पावर ऑन है, ये पावर दिखा रही है। ठीक है कि पावर ऑन है। अभी दोस्तों कोई सिस्टम पंप ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये जो सेंसर को ट्रिगर नहीं किया है। कौन सा, ये नीचे वाला, नीचे की टंकी का। चलिए इसको हम ट्रिगर करते हैं। जैसे मैं इसको ट्रिगर करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्रिगर पॉइंट है, देखा, एक आवाज आई, एक रिले कट, दूसरा रिले कट होकर ऑफ किया। तो ये हमारा स्टार्ट रिले है। जैसे हमने सेंसर को ट्रिगर किया तो ये जो रिले है स्टार्ट रिले, ये 2 सेकंड के लिए ऑन होकर ऑफ हो गया है। यानी कि इस रिले को आपको जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके साथ जोड़ना है। यहाँ पे आपको फेज देना है, यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो पॉइंट है वो देना है ताकि ये 2 सेकंड के लिए ऑन होकर ऑफ हो जाए। ठीक है फ्रेंड। और ये मेरी यहाँ पे ये अभी रिसेट हो गया क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया था। अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये जो सायरन बज रहा है, हालांकि 1 मिनट के बाद बजता है लेकिन वीडियो में मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था तो ये इतना रिसेट नहीं हुआ था। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस स्विच को दबाएंगे तो ये रिसेट होता है। ठीक है, ये रिसेट हो गया। अब हम इसको मैनुअल मोड में ले जाएंगे। जैसे आप मैनुअल मोड में ले जाएंगे दोस्तों, तो ये रिले ऑन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अभी जो ये रिले है ये सिर्फ ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। अभी ये रिले का रोल निकल गया मैनुअल मोड में। तो ये रिले जो है वो स्टॉप बटन जो होता है आपका, उसके साथ सीरीज में ज्वाइंट करना है। इसको पैरेलल रखना है, यानी कि जो स्विच है उसके 2 पॉइंट के साथ पॉइंट, और ये जो रिले है इसको आपको कहाँ पे रखना है, ये जो रिले बड़ा वाला है, जो स्टॉप रिले, उसको सीरीज में लगाना है 9 वोल्ट कॉइल के साथ। ये जो स्टॉप बटन आता है उसके साथ कहीं सीरीज में लगाना है ताकि इसका कनेक्शन कट जाएगा तो 9 वोल्ट कॉइल डिस्चार्ज हो जाएगी और पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा कॉन्टेक्टर का। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कि हमने मैनुअल मोड में रखा है तो हल्की हल्की यहाँ पे बीच वाली एलईडी जल रही है। तो चिंता मत कीजिए, इसका मतलब है कि पावर ऑन है और मैनुअल मोड में है। इसी के लिए हल्की सी जलेगी, हालांकि दूर से नहीं दिखेगी, वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिख रही है, लेकिन मैनुअल मोड में दोस्तों सिर्फ ये लाइट जलेगी बड़ी सी। ये पंप की है, ये जो डॉट्स आप दिख रहे हैं ये पंप का है। तो दोस्तों इतना ब्राइट है कि कहीं दूर से भी नजर आ जाए, एकदम सिंपलेस्ट इसको हमने बनाया है ताकि कोई भी पर्सन इसको जान सके। अभी दोस्तों चलिए आगे के सेंसर हम ट्राई करेंगे। तो अभी हमने ये रिसेट कर दिया है इसको क्योंकि ये ड्राई रन अलार्म बजा था। अभी वापस देखेंगे ड्राई रन अलार्म कैसे बजता है। हालांकि दोस्तों ड्राई रन अलार्म का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि मान लीजिए कि ये सेंसर ट्रिगर हो गया, नीचे की टंकी का ट्रिगर हो गया, ऊपर पानी जा रहा है और अभी ये हमारा लास्ट वाला ड्राई रन है। ये जो है ब्लू, ये ड्राई रन है लास्ट वाला, ये याद रखिएगा। ये लास्ट वाला कौन सा है, ड्राई रन। अगर इस पर पानी नहीं गिरता, ये ऊपर लगेगा पाइप में, ये सेंसर और कॉमन जो है वो ऊपर लगेगा। अगर ये ट्रिगर नहीं होता है 1 मिनट के अंदर तो इसका मतलब है कि ड्राई रन चल रहा है, ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो एक बीप का अलार्म बजेगा। वो तो कैसे बजता है चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने रिसेट किया वापस, ये एक 2 सेकंड के बाद ऑन होकर ऑफ हो गया, यानी कि इस पंप को सबमर्सिबल को ऑन कर दिया। यहाँ पे आप सबमर्सिबल एमसीबी कोई भी चला सकते हैं। अभी ये 1 मिनट के लिए मैंने रिसेट किया, हालांकि ये वीडियो में मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो जब भी आप इसको रिसेट करें तो कम से कम 1 मिनट तक रखना चाहिए, अदरवाइज ये 30-40 सेकंड में ड्राई रन सेंसर कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बड़ा कैपेसिटर यूज नहीं किया। अगर ये जो प्रीसेट देख रहे हैं इसको हमने सेट करके दिया है तो आपको इसको छूना नहीं है। और ये जो बजर है उस पर एक स्टिकर लगाया गया है ताकि आप इसको स्टिकर लगाए तो कम बजेगा, स्टिकर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा बजेगा, वो आपके ऊपर है। अभी मान लीजिए कि ये हमने ड्राई रन अगर नहीं ट्रिगर किया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि पानी ऊपर चढ़ रहा है। अभी पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो
पता नहीं है हमको, लेकिन 1 मिनट के अंदर अगर नहीं गया तो यहाँ पर ड्राइवर अलार्म बजेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ड्राइवर अलार्म बजता है कि नहीं बजता है, तब तक हम बाकी के फंक्शंस भी देख लेते हैं। अभी मैंने वायरिंग आपको समझा दिया, ये स्टार्ट रिले है, ये स्टॉप रिले है। मान लीजिए आपको अगर मोनोब्लॉक पंप चलाना हो तो ये रिले का कोई मतलब नहीं है। अभी देखें, ड्राई रन हो गया, ये ऑफ हो गया। देखिए यहाँ पे पंप ऑफ दिखा रहा है और ये आवाज आ रही है, ये स्टिकर की वजह से अभी ज्यादा आवाज आएगी। तो ये इतनी आवाज आएगी। अभी दिखा रहा है कि नीचे की टंकी में पानी है लेकिन ऊपर पानी नहीं है, इसलिए ड्राई रन बज रहा है। अभी किसी भी सूरत में आपको इसको मैन्युअली एक बार रिसेट करना पड़ेगा, यानी कि किसी बंदे को जाना पड़ेगा भाई कुछ गड़बड़ है, नीचे की टंकी में पानी है, पंप भी रेडी है लेकिन ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है। तो इसी कंडीशन में आपको मैन्युअली इसको रिसेट करना पड़ेगा। जैसे आपने इसको रिसेट किया कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद वापस कर सकते हैं। अभी मान लीजिए एक दूसरी कंडीशन सोचते हैं कि अभी पानी ऊपर चढ़ रहा है और ड्राई रन भी काम कर रहा है, यानी कि ड्राई रन पर पानी गिर रहा है। मान लीजिए अभी ड्राई रन पर पानी गिर रहा है तो हम इसको भी ट्रिगर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कॉमन है, ये जो है पहला है वो कॉमन है। इसके साथ मैंने इसको लगाया, यानी कि सोर्स टैंक, यानी कि वो ट्रिगर हुआ। आप इसको एज अ कॉन्टेक्ट टाइप, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सभी के साथ चला सकते हैं। तो अभी जैसे ही ये दोनों ट्रिगर हुए, यानी कि नीचे की टंकी में पानी है तो यहाँ लाइट जल रही है, एकदम सिंपल। अगर ये डंडी जल रही है इसका मतलब नीचे की टंकी फुल है, ये नहीं जल रही इसका मतलब नीचे की टंकी एम्प्टी है, खाली है। नीचे की टंकी में सिर्फ एक ही सेंसर जाएगा, वो आपको कोई भी एक लेवल पर रखना है। नीचे की टंकी में जो 20-30% पानी रहे उसके नीचे मत जाने दीजिए, ताकि पता चले वो कितना है। अभी ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोई अलार्म नहीं बजेगा क्योंकि यहाँ पे ड्राई रन ट्रिगर है। तो अभी क्या होगा कि पानी ऊपर चढ़ रहा है, अभी हम सोचते हैं कि मिडल सेंसर तक पानी पहुंच गया। तो ये पहला हमारा कॉमन, ये दूसरा है सोर्स, तीसरा है मिडल सेंसर। तो ये जो ये कलर सेफ्रॉन कलर का है, ये केसरी कलर का, ये हमारा मिडल सेंसर है। मान लीजिए कि मिडल सेंसर तक पानी पहुंच गया, यानी कि ये ट्रिगर हो गया। तो अभी मिडल सेंसर को मैं यहाँ पे ट्रिगर करता हूं। अब देखिए, देखा जैसे मिडल सेंसर को मैंने ट्रिगर किया तो यहाँ पे ये डंडी जल गई, ये बीच वाली, ये जो एलईडी है वो मिडल सेंसर के लिए है, यानी कि मिडल सेंसर तक पानी पहुंच चुका है। तो ये एक टाइप का लेवल इंडिकेटर भी है, ये नीचे की टंकी के लिए, ये ऊपर की टंकी का मिडल लेवल और ये ऊपर की टंकी का टॉप लेवल। तो अभी मिडल सेंसर के ऊपर पानी है, इसका मतलब है कि मिडल सेंसर के ऊपर पानी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में चल रहा है पंप। अभी मान लीजिए कि पानी टंकी फुल हो गई, यानी कि 100% हो गई, तो ये हमारा जो आखिरी वाला है उससे पहले का, ये जो देख रहे हैं आप, फिर से बताऊं, ये कॉमन, ये सोर्स, मिडल, टॉप और ड्राई रन। तो ये जो टॉप सेंसर है येलो, ये टॉप सेंसर को हम ट्रिगर करते हैं। मान लीजिए कि उस तक पानी पहुंच गया, ये ट्रिगर हो गया। तो अभी क्या होता है, मैं इसको यहां पे लगाता हूं, ट्रिगर करता हूं। देखा आपने, जैसे ही टॉप सेंसर ट्रिगर हुआ पंप ऑफ हो गया, देख सकते हैं आप, ये पंप ऑफ हो गया, यानी कि टंकी फुल हो गई और ऊपर की डंडी जल रही है एलईडी। इसका मतलब है कि टंकी 100% फुल। अभी आपको तीनों जल रही, मतलब कि पानी नीचे की टंकी फुल है, ऊपर की टंकी मिडल सेंसर के ऊपर वाटर है और 100% है। अभी मान लीजिए वापस हम साइकिल सोचते हैं कि पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब कि हम टंकी में से पानी निकाल रहे हैं, तो पानी मिडल सेंसर टॉप सेंसर के नीचे चला गया, तो हम टॉप सेंसर को निकाल लेता हूं मैं, तो क्या होगा। ये निकाल लिया मैंने, ठीक है, ये टॉप सेंसर निकाल लिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी मिडल सेंसर के ऊपर पानी है लेकिन टॉप पर नहीं है और पंप ऑफ है, पंप इसी कंडीशन में भी ऑफ है, ओके। अभी मान लीजिए कि पानी मिडल सेंसर के नीचे चला गया, मतलब कि हमने पानी और कंज्यूम कर लिया। तो अभी जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक और बात होगी, जैसे ही आप टॉप सेंसर को ट्रिगर करेंगे तो ड्राई रन का रोल जो है वो निकल जाएगा। तो हम ड्राई रन को निकाल लेते हैं, ठीक है, ये ड्राई रन हमने निकाल लिया, क्योंकि जब पंप ऑन होगा तभी पानी गिरेगा ऊपर, तो अभी पानी तो गिरेगा नहीं, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम जो काम कर रहे थे उसमें से ड्राई रन निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, पानी नहीं गिरेगा। तो पंप ऑन होगा तभी ड्राई रन ट्रिगर होगा, ओके। अभी इसी कंडीशन में मिडल सेंसर के ऊपर पानी है, अभी हम सोचते हैं कि मिडल सेंसर को निकाल लेते हैं तो क्या होता है। गौर से देखिएगा क्या होता है दोस्तों, मैं मिडल सेंसर को निकाल रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं मिडल सेंसर को यहां से निकालूंगा, देखिएगा जैसे ही पानी मिडल सेंसर के नीचे गया वापस पूरा साइकिल स्टार्ट हो गया। अभी पंप ऑन हुआ, ये 2 सेकंड के लिए ऑन होकर ऑफ हुआ, आपने टिक की आवाज सुनी होगी, ये कंटिन्यूसली अभी भी ऑन है।
ये कॉमन है, ये हमारा एनओ और ये एनसी। आपको जो पॉइंटिंग वायरिंग करना है ये कॉमन पे और ये एनओ बीच वाले पे करना है। ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज रहता है ये, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन, जब रिले ऑन होता है तो यहां से यहां ये दोनों शॉर्ट होते हैं, ये दोनों। जब ऑन होता है, ऑफ होता है तो ये और ये दोनों शॉर्ट होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इसी तरीके से काम कर रहा है ये सिस्टम। अभी आपको कभी भी इसको मैनुअल मोड में करना है तो स्विच को एक बार प्रेस कीजिए, ये देखिए मैनुअल मोड में चला गया। अभी वापस आपको लगना है, ये ऑन हो गया। अभी मान लीजिए कि इसी कंडीशन में अगर नीचे की टंकी खत्म हो जाती है तो दोस्तों क्या होता है, तो हमने नीचे की टंकी को भी निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया, अभी देखा आपने 2 सेकंड 3 सेकंड का एक गैप आया, यहां पे डिले आया 2 सेकंड तक, ये निकालने के बाद भी ऑफ नहीं हुआ। ये इसीलिए कि नीचे की टंकी में अगर पानी ऐसे ऐसे उछल रहा है तो ये ऑन ऑफ नहीं होता रहेगा, इसमें डिले दिया गया है 3 सेकंड का। 3 सेकंड तक ये सेंस नहीं करता सेंसर को, ताकि अगर पानी उछल कूद कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी पंप को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी दोस्तों इसमें एक और जो हमने बीप दिया है, तो अगर नीचे की टंकी खाली है तो 1 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, क्योंकि दोस्तों अगर नीचे की टंकी में पानी नहीं है तो ऊपर की टंकी में कैसे चढ़ेगा। तो ये खास फीचर हमने डाला है, हालांकि लोग ड्राई रन सेंसर देते हैं, हमने लेकिन नीचे की टंकी का भी सेंसर दिया हुआ है। तो ये जो नीचे की टंकी का सेंसर है वो इसी तरीके से काम करता है दोस्तों, कि जब नीचे की टंकी एम्प्टी है तो एक अलार्म बजेगा 1 मिनट के बाद और पता चलेगा कि अभी आप जाइए, कुछ प्रॉब्लम है। तो देखा ये अलार्म शुरू हुआ, अभी बजना स्टार्ट हुआ। ये वीडियो है तो थोड़ा मैंने जल्दी कराया था, तो ये से अलार्म बजता है, हालांकि ये 1 मिनट के करीब रहता है। अभी आपको किसी भी बंदे को जाकर इसको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, मैन्युअली रिसेट करना पड़ेगा, तभी ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब तक ये नीचे की टंकी में पानी नहीं होगा ये वापस स्टार्ट नहीं होगा। देखिए अभी जब ये नीचे की टंकी ट्रिगर होगा, नीचे की टंकी में पानी आ जाएगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हो गया, तो ये पूरी तरीके से आपके लिए ही काम करेगा। अभी दोस्तों एक दो बार और मैं आपको समझाता हूं कि ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसको अगर आपको कहीं और लगाना है, मान लीजिए कि आपको लगे कि मुझे ये अपनी बॉडी में फिट नहीं आ रहा है, तो आप इसको आसानी से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऐसे निकाल सकते हैं। देखा आपने यहाँ पे बेस लगा हुआ है, तो ये बेस के ऊपर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऐसे ही, जो ऐसे केबल आते हैं मेल फीमेल, इसको यहां से आप एक्सटेंशन करके आप कहीं भी अपने कैबिनेट में लगा सकते हैं। और बाय चांस ये खराब हो गया तो ये 7 रुपये का आता है, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे ही उतना जल्दी खराब होता नहीं है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात है दोस्तों कि ये जो स्विच है, काफी लोग अगर बोलते हैं कि इस पर कैप, तो इस पर कैप ऑनलाइन मिल रही है दोस्तों, लेकिन ये लंबी चौड़ी जितनी चाहिए उतनी जो उसकी साइज आती है, इसलिए हम कैप साथ में नहीं दे रहे। आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। तीसरी बात है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको ये स्विच और डिस्प्ले कहीं और लगाना है, तो ये पूरा जो सर्किट है छोटा, यहाँ पे बेस पर लगा, आप इसको ऐसे करके उखाड़ सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बेस है, तो ये जो छोटा सर्किट है यहां से निकल जाएगा, यहां से आप फिर ऐसे मेल फीमेल केबल लगा के इसको एक्सटेंशन करके कहीं और लगा सकते हैं, यानी कि ये बड़ा सर्किट नीचे रहेगा, छोटा सर्किट आपको जहीं लगाना है वह लगा सकते हैं। बाय चांस ये खराब हो गए तो आप इसको बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज इसीलिए डेमो किया ताकि लोगों को पता चले कि वायरिंग डायग्राम कैसे करना है। अगर मोनोब्लॉक पंप ने आपको इसको जोड़ना है, तो आपको कोई भी एक वायर को कट करके ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देना है, सीरीज में इसको ये रिले को कनेक्ट करना है। मोनोब्लॉक हो, एमसीबी हो, इसके लिए ये रिले, अगर सबमर्सिबल हो तो ये दोनों रिले आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको पूरा समझ में आ गया कि आरएमएस ये 1912 जो कैसे काम करता है, और इसकी जो एलईडी डंडी हमने सिलेक्ट की है वो कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको देख सकता है लेवल को, उसी तरीके से इसको बनाया गया। तो अभी देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से ऑर्डर कीजिए अपना पीस, स्टार्ट कीजिए अपना बिजनेस, क्योंकि ये जो पीस है वो मार्केट में 2000 रुपये में फुल्ली फिनिश मॉडल बिक रहा है दोस्तों। और ये हमसे आप अगर बल्क में लेंगे तो आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा, बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा दोस्तों। आप इस पर सोच भी नहीं सकते उतने परसेंटेज मुनाफा आप इस पर कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, productforyou999@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, उस पर अपना नाम पता भेजिए और आपको कितना पीसेस खरीदना है वो हमें लिख के बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।